फ्रेंड्स, अगर आप स्टेट बैंक का अकाउंट होल्डर है और अभी तक योनो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो जरूर उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि योनो एप्लीकेशन स्टेट बैंक की तरफ से एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी तरह का बैंकिंग फैसिलिटीज मिलता है। आपको ब्रांच विजिट करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए और उसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके ऊपर मेरा पहले से वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कैसे योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन किया जाता है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर आपको पहले से नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन था और योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन था और उसका जो यूजर नेम पासवर्ड आप दोनों भूल चुके हो, तो उसको आप कैसे रिकवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दो पार्ट होगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूजर नेम रिकवर कर पाएंगे, और सेकेंड पार्ट में बताऊंगा कि कैसे आप उस यूजर नेम के ऊपर आपका जो नया पासवर्ड है आप कैसे रिसेट कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखा हुआ जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरे चैनल पे उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूजर नेम और पासवर्ड कैसे रिकवर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यूजर नेम रिकवर करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन sbi.com में जाना होगा। उस साइट में जाकर, जो कि स्टेट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाकर आप आपका यूजर नेम रिकवर कर पाएंगे। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा पहले ऑनलाइन sbi.com में जाकर। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको जाना है गूगल में। गूगल में जाकर यहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन sbi.com। देखिए, मैं ऑनलाइन sbi लिखकर सर्च किया और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा साइट https://onlinesbi.com। तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग लॉगिन में क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन में क्लिक करेंगे, इसमें आपको कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए, एक लॉगिन पेज आया है जहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा। तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं है तो आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद इसमें देखिए फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड बोल के एक मेनू मिलेगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह का एक ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाएगा। इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए फॉरगॉट यूजर नेम का एक ऑप्शन आपको मिलता है, तो आप फॉरगॉट यूजर नेम में क्लिक कर दीजिए। और इसमें देखिए नेक्स्ट का जो मेनू है उसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा। इसमें पहला जो ऑप्शन है उसमें आपका सीआईएफ नंबर डालना होगा। सीआईएफ नंबर आपको पासबुक में मिल जाएगा। और इसमें आपको आपका कंट्री चूज करना है, इंडिया। और उसके बाद आप इसको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ऑनलाइन एसबीआई में, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। और इसमें एक कैप्चा कोड फिल कर देना है। मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। देखिए, मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स फिलअप कर दिया और इसमें सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। जैसे सबमिट बटन में क्लिक किया, इस तरह से एक पेज खुल के आता है। देखिए, इसमें स्टेट बैंक की तरफ से आपके पास एक ओटीपी आता है रजिस्टर्ड मोबाइल में। उस ओटीपी को इसमें एंटर करना है और फिर कॉन्फर्म बटन में क्लिक कर देना है। तो ओटीपी में एंटर कर दिया, फिर कॉन्फर्म बटन में क्लिक कर दूंगा। देखिए, जैसे कॉन्फर्म बटन में क्लिक किया, आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा, जिस मैसेज में आपका यूजर नेम बता दिया जाएगा और इसमें डिस्प्ले भी हो जाएगा। देखिए, मेरा यूजर नेम जो है इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें मैं आपको दिखाया कैसे आप यूजर नेम रिकवर कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा आपका जो यूजर नेम है उस यूजर नेम के अगेंस्ट में आप कैसे आपका लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने का दो तरीका होता है। फर्स्ट है आपको ब्रांच विजिट करना होता है, और सेकेंड तरीका है आप अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड के मदद से आप अपना लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में सेकेंड पार्ट जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा, तो एटीएम कार्ड से आप कैसे आपका जो यूजर नेम है उसके साथ आपका पासवर्ड सेट करके योनो एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला पार्ट में मैं आपको दिखाया यूजर नेम कैसे रिकवर किया जाता है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको दोबारा ऑनलाइन sbi.com में जाना होगा। देखिए, मैं ऑनलाइन sbi.com में आ चुका हूं, फिर लॉगिन में क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन में क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू लॉगिन आएगा, उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आ जाइए और इसमें देखिए फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड बोल के एक मेनू आपको मिल जाएगा। पहले मैं आपको दिखा चुका हूं इस मेनू को, इसमें क्लिक कर दीजिए। इसमें जैसे क्लिक करेंगे, देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह से एक फॉर्म आएगा, देखिए इसमें आपको कुछ चीजें भरना है। पहला है आपका यूजर नेम, आपका अकाउंट नंबर, कंट्री आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड, ये सारा डिटेल्स आपको फिल कर देना है और फिर सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। तो इसमें देख सकते हैं मेरा जो सारा डिटेल्स है मैं फिलअप कर दिया, फिर या फिर सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। जैसे सबमिट बटन में क्लिक किया, देखिए एक ओटीपी मेरे मोबाइल में आएगा, इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है, फिर कन्फर्म बटन में क्लिक कर देना है। तो ओटीपी एंटर कर दिया, फिर कन्फर्म बटन में क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे क्लिक किया इस तरह से 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होगा। आप अपना जो लॉगिन पासवर्ड है उसको एटीएम कार्ड डिटेल से रिसेट कर सकते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड से रिसेट कर सकते हैं और ब्रांच में जाकर रिसेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम कार्ड यूज करेंगे तो पहला ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही सबमिट बटन में क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास जो भी एटीएम कार्ड अवेलेबल होगा, एक्टिव होगा, उस एटीएम कार्ड को दिखाएगा। तो आपको एक एटीएम कार्ड चूज करना है, मैं यहाँ पे मेरा जो एटीएम कार्ड है उसको चूज कर लूंगा, फिर यहाँ पे कन्फर्म बटन में क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे कन्फर्म बटन में क्लिक किया, यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड डिटेल्स देने के लिए पूछा जाएगा, जो एक्सपायरी डेट है उसको फिलअप करना है और एटीएम कार्ड में आपका जो नेम है उसको देना है, फिर पिन नंबर देना है और नीचे यहाँ पे कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को भी देना है। तो ये सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना है, फिर प्रोसीड बटन में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सारा कार्ड डिटेल्स में फिलअप कर दिया, फिर यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करूंगा। तो जैसे ही प्रोसीड में क्लिक किया, देखिए इस तरह से एक पेज आपके सामने आता है जहां पे लिखा होता है योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस, और आपको नेक्स्ट जो स्क्रीन है उस स्क्रीन में आपको इस तरह से आता है और यहाँ पे आपको जो नया लॉगिन पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को आपको इनपुट करने के लिए पूछा जाएगा, एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड। तो यहाँ पे आपका जो नया पासवर्ड होगा वो आप सेट करके सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लिया, फिर सबमिट बटन में क्लिक कर दूंगा। देखिए जैसे सबमिट बटन में क्लिक किया इसमें लिखा हुआ योर लॉगिन पासवर्ड हैज बीन रिसेट सक्सेसफुली, यानी मेरा जो लॉगिन पासवर्ड रिसेट था वो सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का दो पार्ट था। पहले पार्ट में मैं आपको दिखाया कि अगर आपके पास यूजर नेम नहीं है योनो का तो कैसे आप उसे रिकवर कर पाएंगे, और सेकेंड पार्ट में दिखाया कि कैसे उस यूजर नेम के अगेंस्ट में आप लॉगिन पासवर्ड सेट कर पाएंगे आपका एटीएम कार्ड से। तो कैसा लगा यह वीडियो, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आपका फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले। तो फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।